मॉर्निंग और स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। तो मैं हूं फिलहाल नौगांव में और आप लोग को सोचा कि महामृत्युंजय जो मंदिर है नौगांव में, आपका वर्ल्ड लार्जेस्ट शिवलिंग जो बनाया गया है, वहां पे चलूं और आप लोग को दिखाऊंगा वहां का फुटेज। और अभी हूं फिलहाल मैं नौगांव के एक लॉज में रुके हुए, कल रात में ही आए थे, स्टे किए यहाँ पे ही। सब हम हो गए हैं रेडी, नहा लिए मस्त और फ्रेश हो गए हैं और चलते हैं। अभी पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट निकलेंगे यहाँ से हम। दोस्तों मैं आ चुका हूँ आपका महामृत्युंजय टेम्पल के मंदिर के पास और ये यहाँ से कुछ व्यू देख सकते हो। अभी आपका 3 बज रहे हैं दोपहर के, तो अभी भीड़ कम देखने मिलेगा। एक्चुअली शाम को कुछ ज़्यादा भीड़ होती है, ठीक है ना। तो अभी चलते हैं, आपको थोड़ा क्लोजअप थोड़ा व्यूज दिखाते हैं इधर से, इसीलिए जाएंगे क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है और लेट से निकले हम यहाँ पे। ये देखो कुछ यहाँ का आउटसोर्स और यहाँ पे आपको पूजा का सामग्री मिल जाएगा देखने को इस एरिया में और इस एरिया में भी। इधर में अभी पार्किंग अलाउ है, पार्किंग कर सकते हो आप आकर। तो चलते हैं अंदर, पहले तो सैंडल खोलना पड़ेगा यहाँ पे। ये देखो इधर में ये मच्छी भी है, बाप बहुत ज्यादा गर्म है। बहुत ही बड़ा भाई ये, 126 फीट आई थिंक इसका लंबाई है। ये एरिया देखो, तो गाइस सामने से कुछ फोटोज, ऊपर देखो पूरा कबूतर लोग बैठा हुआ है ये देखो। और ये आपका शिवरात्रि का समय है, जो भीड़ होता है ना भाई इस एरिया सब में मत पूछो, बहुत ही खतरनाक भीड़ होता है। और ये वर्ल्ड का आई थिंक सबसे लंबा है, जो आपका टॉलेस्ट बोल सकते हो, सबसे लंबा जो शिवलिंग है, सबसे बड़ा है वर्ल्ड का भाई। ये जो गर्म है ना, पूरा छाला पकड़ लेगा पाँव में, इतना गर्म है एरिया। पूरा धूप है, अभी 3 बज रहे हैं दोपहर के। ये देखो ये राउंड में एक सर्कल लूंगा, सर्कल लेके फिर साइड से निकल जाएंगे हम लोग, ऊपर चलेंगे, ऊपर जाने की रास्ता है। तो ये देखिए इधर से चलते हैं थोड़ा अपर साइड में, अभी थोड़ा ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा गर्म है नहीं तो। ये देखो भाई, अंदर में वीडियो तो नहीं ले सकते, बट यहाँ पे देखो पूरा मधुमक्खी का वो क्या बोलते हैं, देखो कितने सारी है इधर में, क्या बड़ा बड़ा पिलर है ये देखो। ये देख सकते हो मंदिर का नीचे वाला सीन, यहाँ पे कुछ साफ सफाई चल रहा है फिलहाल। तो ये अंदर का एरिया, जो ऊपर जो शिवलिंग था उसका नीचे वाला एरिया भाई, नीचे काफ़ी बड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये एरिया देखो सब, इधर काम वाम चल रहा है, साफ सफाई चल रहा है। अंदर कुछ ज़्यादा तो नहीं है, आई थिंक पंडित जी लोग जी है और कुछ काम वाम चल रहा है। ये सब एरिया आपका अंदर का, ये चेक करो।
एक कबूतर। ये जो एरिया देख रहे हो यहाँ पे खाली आप पूजा कर सकते हो, पूजा करके मतलब अगरबत्ती जो भी ला दो, धूप काटी यहाँ जला लेना आपको, उसके बाद आप अंदर जा सकते हो, ठीक है ना। तो ये सब एरिया था, कुछ यहाँ पीछे का भी एरिया देख सकते हो, पार्किंग के लिए भी है एरिया अवेलेबल। और इधर पूरा तो भाई ग्रीनरी भरा पड़ा है। तो यही था आज की वीडियो में। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।